तो दोस्तों 60 से 70,000 का जो बजट है ना, इस बजट में हमें लगभग सभी ब्रांड्स के फ्लैगशिप फोन्स मिल जाते हैं जो तगड़ी कैमरा क्वालिटी लेके आते हैं। तो अगर आप भी 65,000 के अराउंड कोई बेस्ट फ्लैगशिप फोन देख रहे हैं जो टॉप नोच कैमरा क्वालिटी लेके आता हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अलावा इन फोन्स में आपको प्रोसेसर, डिस्प्ले की क्वालिटी और बाकी सभी फीचर्स भी बेस्ट देखने मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो बेस्ट कैमरा फोन अंडर 65,000 को शुरू करते हैं। सो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है गूगल पिक्सल 8 स्मार्टफोन। दोस्तों कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आने वाला गूगल का ये फोन काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी लेके आता है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिल जाता है गूगल का पावरफुल चिपसेट गूगल टेंसर G3, जिसमें आप डे टू डे के काम आराम से कर पाएंगे। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे के सेटअप मिलते हैं, जिसमें मेन कैमरा 15 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा इसमें 10.5 मेगापिक्सल का मिलता है और इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.2 इंच की OLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120Hz का, SDR 10 प्लस का सपोर्ट और ब्राइटनेस 2000Hz की मिल जाती है। और ये फोन IP68 की रेटिंग और गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन के साथ भी आता है। तो इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 4575mAh की बैटरी मिल जाती है और चार्जिंग 27W की सपोर्ट करता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 65,000 में मिल जाता है। सो नंबर 4 पर सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S23 स्मार्टफोन। दोस्तों सैमसंग का ये फोन 65,000 के बजट का एक बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है, तो आप इस फोन को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिलता है क्वालकॉम का पावरफुल चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और ये प्रोसेसर क्वालकॉम की फ्लैगशिप सीरीज का प्रोसेसर है। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 15 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। और इसके मेन कैमरे में आपको अल्ट्रा SD 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है और फ्रंट कैमरा इसमें 12 मेगापिक्सल का मिलता है और ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आता है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.1 इंच की डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले मिल जाती है और 6.1 इंच डिस्प्ले होने के कारण ये फोन काफी कॉम्पैक्ट भी है। इसके अलावा इसकी डिस्प्ले में SDR 10 प्लस का सपोर्ट और 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है और इसमें 1750Hz की ब्राइटनेस मिल जाती है। तो इसकी बैटरी कैपेसिटी को देखें तो ये फोन 3900mAh की बैटरी के साथ आता है और चार्जिंग ये 25W की सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें IP68 की रेटिंग और गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 60,000 में ही मिल जाता है। सो नंबर 3 पर है OnePlus 12 स्मार्टफोन। दोस्तों इस बजट में OnePlus की सीरीज को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें कैमरे की क्वालिटी हो या प्रोसेसर दोनों में तगड़ा काम किया जाता है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर जो कि क्वालकॉम का मोस्ट पावरफुल चिपसेट है। इसके अलावा ये फोन अराउंड 17,38,000 का एंड्रॉइड स्कोर लेके आता है, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी फोन अच्छा खासा होने वाला है। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 15 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस मिल जाता है। और इसके मेन कैमरे में सोनी का LYT 808 सेंसर मिलता है और अल्ट्रा वाइड में सोनी IMX581। इसके अलावा इस फोन में 4th Gen Hasselblad की कोलैब भी देखने मिलती है और फ्रंट कैमरा ये फोन 32 मेगापिक्सल का लेके आता है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.82 इंच की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120Hz का, SDR 10 प्लस का सपोर्ट और 4500 की ब्राइटनेस मिल जाती है। तो इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 5400mAh की बैटरी मिलती है और चार्जिंग ये 100W की लेके आता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 63,000 में मिल जाता है। सो नंबर 2 पर है Vivo X100 स्मार्टफोन। दोस्तों कैमरा पर्पस से Vivo का ये फोन मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है MediaTek Dimensity 9300 प्रोसेसर जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है। इसके अलावा इस फोन में परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए एक डेडिकेटेड V2 चिप भी मिलती है जो कि काफी अच्छी बात है। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 15 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। इसके अलावा इस फोन में कैमरा जायस की कोलैब के साथ मिलते हैं और सेल्फी कैमरा ये फोन 32 मेगापिक्सल का लेके आता है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120Hz का और ब्राइटनेस 3000Hz की मिल जाती है। तो इसकी बैटरी की बात करें तो ये फोन 5000mAh की बैटरी लेके आता है और चार्जिंग इसमें 120W की मिल जाती है और ये फोन एंड्रॉइड वर्जन 14 और IP68 की रेटिंग भी लेके आता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ
चाहते हैं तो ये फोन आपको 64,000 में मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर वन के स्मार्टफोन के बारे में, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नंबर वन पर है हमारे लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन आईफोन 14 प्लस। तो दोस्तों अगर आपको इस बजट में किसी एप्पल डिवाइस के साथ जाना हो तो आप आईफोन 14 प्लस को कंसिडर कर सकते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है एप्पल A15 बायोनिक 5G चिपसेट, जो कि काफी तगड़ी परफॉर्मेंस लेके आता है, और एप्पल के सारे फोन्स अच्छी ऑप्टिमाइजेशन के कारण काफी अच्छा भी परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 12 MP और दूसरा कैमरा 12 MP का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, वहीं फ्रंट कैमरा इसमें 12 MP का मिलता है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो ये फोन 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले मिल जाती है, और OLED डिस्प्ले में कलर कॉन्ट्रास्ट और डिटेलिंग भी तगड़ी मिलती है, और इसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन और ब्राइटनेस 1200 निट्स की मिल जाती है। तो इसकी बैटरी कैपेसिटी को देखें तो ये फोन 4325 mAh की बैटरी के साथ आता है, और चार्जिंग इसमें 20W की मिल जाती है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 128 GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 65,000 में मिल जाता है।